exercise 3.4, problem number. So students, in this problem, you have to first arrange the given numbers suitably and after that you have to multiply. सबसे पहले आपको जो ये प्रॉब्लम्स दी हुई है प्रॉब्लम नंबर 3 में, इसको आपको सूटेबल अरेंज करना है. उसके बाद आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है या मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे देखिए 5 × 4845 × 2 है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वी विल मल्टीप्लाई 5 by 2, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और यहाँ पे हम 10 ऐड कर देंगे. ज्यादा आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दूंगा 5 × 2, मैंने यहाँ पे इसको सूटेबल रीअरेंज कर दिया है, × 4845. ठीक है बच्चों, उसके बाद 5 × 2 = 10, 10 × 4845. After that we will multiply 4845 by 10. 10 से multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 48450 and this will be your answer. Now come to part B. अब आइए part B पे. यहाँ पे आपको इसको suitable arrange करना है फिर multiply करना है. देखिए यहाँ पे दिया है 3276 × 25 और × 40. हम जानते हैं कि 25 को अगर 4 से multiply करेंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100. ठीक है, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे. तो यहाँ पे इसको मैंने अरेंज कर लिया है, पहले से ही अरेंज है बल्कि. तो हो जाएगा 3276 × 25. 4 का कितना होता है स्टूडेंट 100. 25 × 4 = 100 एंड दिस जीरो, एक और जीरो है. उसके बाद इस नंबर को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हो जाएगा 3276 000 और ये आपका स्टूडेंट्स आंसर होगा. प्रॉब्लम नंबर 7, इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन होल नंबर एंड एन ऑड नंबर एंड ऑड नंबर. तो यहाँ पे देखिए आप लोग जानते हैं कि होल नंबर क्या होता है. होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये होल नंबर होगा. नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन होल नंबर. अगर इवन होल नंबर क्या हो गया आपका 2, ठीक है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ इवन होल नंबर, ठीक है, जैसे आपके यहाँ प्रॉब्लम में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इवन होल नंबर. इवन नंबर ये हो गया, मल्टीप्लाई करना है मतलब इसका प्रोडक्ट होगा. एंड एन ऑड होल नंबर, ऑड होल नंबर क्या हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं. ठीक है, ये इवन होल नंबर है, इवन होल नंबर ये मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट किया है विद एन ऑड होल नंबर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 6, और 6 क्या है आपका इवन. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो ऑड होगा कि इवन होगा, तो वो हमेशा इवन रहेगा. 4 एक इवन ऑड इवन होल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 ऑड नंबर है, 5 × 4 = 20, हमारे पास 20 आया, तो ये क्या हो जाएगा इवन. तो यहाँ पे आंसर में आप लोग लिख दीजिएगा आंसर, ये भी इवन ही नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर. क्या यहाँ पे आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर. आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन होल, इवन होल नंबर एंड एन ऑड होल नंबर, एन ऑड होल नंबर, होल नंबर इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर. जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा. द एनुअल फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन अ स्कूल इज ₹5,385. तो यहाँ पे एक क्लास 6 का स्टूडेंट है, साल भर में उसकी जो फीस है वो है 5,385. अगर 6 क्लास में टोटल 108 स्टूडेंट्स होंगे, इफ देयर आर इन ऑल 108 स्टूडेंट्स इन क्लास 6, फाइंड द टोटल कलेक्शन. आपको कलेक्शन निकालना होगा. तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट्स बनाना होगा. तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एनुअल फी charged, annual fee charged from
फ्रॉम अ स्टूडेंट. एनुअल फी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट कितनी है? रुपीज 5385. राइट टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 108. देयरफोर आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है कि टोटल कलेक्शन. टोटल कलेक्शन मतलब कि टोटल 108 बच्चों ने कितनी फीस जमा की है. टोटल कलेक्शन उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5385. मल्टीप्लाई करिए 108 से. इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पे आंसर आएगा लिख दीजिएगा. टोटल कलेक्शन इज रुपीज. रुपीज का सिंबल जरूर लगाइएगा. यहाँ पे आंसर आ गया. यहाँ पे लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिएगा.